हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरलीन और आज का मेरा टॉपिक है आप अपने ऑफिस का सेटअप कैसा रखें, क्या क्या रखें आप अपने ऑफिस में। चाहे आप किसी भी चीज़ का काम कर रहे हैं, चाहे आपका फर्नीचर का शोरूम है, आपका बुटीक है, आपका पार्लर है, आपका हीलिंग सेंटर है, आप अपने ऑफिस को कैसे सेट करें कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलें। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं वास्तु की बात नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्शंस की बात नहीं करती हूँ, हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी बनाइए, एनर्जीज़ अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए। जब कोई एंटर करता है तो वहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हों, ताकि वो पर्सन अपनी जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर छोड़ के आपके ऑफिस में आए। किसी भी चीज़ का ऑफिस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला काम है एंट्रेंस, जहाँ पे आपका बोर्ड लगा है, बोर्ड कोई भी एंट्रेंस है, चाहे वो मेन रोड पे है या जस्ट आपके ऑफिस के गेट के बाहर बोर्ड लगा है। एंट्रेंस मतलब जहाँ आपका बोर्ड लगा है, जो बोर्ड आपका देख के एंटर कर रहा है उस जगह पे, तो वहीं से आपकी एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, उस बोर्ड का कलर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो लकी कलर है उसका होना चाहिए, बिकॉज तभी वो आपको पावर देगा, बिकॉज वो आपका लकी कलर है। तो आपने उस कलर का बोर्ड लगाना है, जो बेस कलर है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कलर यूज़ करना है जितना हो सके। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे, जो आपका गेट होगा, जो दरवाज़ा है, जब वो खुलेगा तो वहाँ पर एक विंड चाइम या एक म्यूज़िक या कोई ऐसी बेल आपको वो लगानी है, ताकि उस चीज़ के ऊपर उस पर्सन का ध्यान जाए, क्योंकि जब भी कोई आवाज़ आएगी तो ध्यान जाएगा, तो वहाँ पे उस पर्सन को कुछ ऐसी आवाज़ आनी चाहिए जिस पे उसका ध्यान जाए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो वहीं पे रह जाएगी। जब भी फर्स्ट जब कोई एंटर करेगा, पहली जो एंट्रेंस होगी आपकी, फर्स्ट गेट जो होगा, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा लगाना है जो उस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ, उस चीज़ की तरफ खींचे, तो आप पे उसकी नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो आप कोई भी बेल या विंड चाइम या कोई ऐसा शोपीस लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, आपको अपने ऑफिस में एंट्रेंस पे अंदर, जब कोई अंदर आएगा, तो वहाँ पे आपको ऐसे लाफिंग बुद्धा रखने हैं। मैंने ऐसे पूरा सेट रखा है पिरामिड के फॉर्म में। आप कोई भी एक लाफिंग बुद्धा भी रख सकते हैं, या आप एक बहुत बड़ी फिगर लाफिंग बुद्धा लगा सकते हैं। लाफिंग बुद्धा प्रोस्पेरिटी, मनी, नेम, फेम को शो करता है। आप अपने गॉड की फ़ोटो, आप अपनी गॉड की जो स्टैचू है वो तो प्लेस कर ही सकते हैं, और साथ में अगर बहुत बड़ी नहीं तो छोटी सी आप लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने ऑफिस में एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट करनी है। सेक्रेट स्पेस मतलब जहाँ आप अपने पूजा करेंगे, जिन गॉड को मानते हैं। अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं तो आप उस जगह पे अगरबत्ती जला सकते हैं, आप कैंडल जला सकते हैं, आप दिया रख सकते हैं, और नहीं तो वहाँ पे कोई लाइट हो, कोई बल्ब हो। तो आपने सेक्रेट स्पेस कैसे क्रिएट करनी है, एक कोई भी एक ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का, येलो, वाइट, कोई भी अच्छा कलर का क्लॉथ एक टेबल पे या एक कॉर्नर पे आपको बिछाना है, वहाँ पे ले करना है, एंड वहीं पे सारी चीज़ें आपको रखनी है, अपने गॉड की फ़ोटो और पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ पे शंख रख सकते हैं, आप वहाँ पे कोई एंजेलिक फिगर रख सकते हैं, अगर आप अगरबत्ती करते हैं, धूपबत्ती करते हैं, आप वो रख सकते हैं। जो भी होली चीज़ें उसी जगह पर होनी चाहिए, कहीं और नहीं, बिकॉज अगर आपने अगरबत्ती ऑफिस में कहीं और रखी है, स्टैचू कहीं और रखी है, आपने अपने भगवान की फ़ोटो कहीं और रखी है, तो उससे हर जगह की एनर्जीज कलेक्ट होकर जब आप पूजा करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको एक ही जगह पर कलेक्ट करके एक ही जगह पर रखनी है, वो सेक्रेट स्पेस होगी, वो पॉजिटिव एनर्जी वाली स्पेस है। तो वहीं पर ही आप जब रखेंगे तो उस सब चीज़ों को एनर्जी मिलेगी, वो सब चीज़ें चार्ज होती रहेंगी। तो ये था ऑफिस का एंट्रेंस, ये था ऑफिस की सेक्रेट स्पेस। आपके ऑफिस की चेयर जहाँ पर आप बैठे हैं वो आपके क्लाइंट की चेयर से ऊपर होनी चाहिए, आपकी पोजीशन ऊंची होनी चाहिए, तभी आपका ऑरा इंक्रीज होगा। जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे तभी वो आपकी बात सुनेंगे, तभी वो आपसे
इम्प्रेस होंगे, आपकी बात में हाँ में हाँ मिलाएंगे अगर सही हैं आप तो. आपकी जो चेयर है, आपकी जो हाइट है चेयर की, जो पोजीशन है वो ऊपर होनी चाहिए. आपको अपने बैक पे, जब आप जहाँ बैठे हैं, फ्रंट की जगह बैक पे आपको लाइट कोई भी यूज़ करनी है पीछे. तो आपको लाइट मीन्स सपोर्ट, लाइट एनर्जी, आपको माइंड में पावर, तो अच्छी नॉलेज. तो आपने बैक में अगर लाइट, कोई भी लाइट आप लगा सकते हैं, तो वो आपको सपोर्ट देगी, आपको एनर्जी देगी, आपको नॉलेज देगी. ऑफिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए. कई पुराने आपके चार्जर हैं, एयरफोन्स हैं, या कुछ वायर्स हैं, या कुछ नेल्स पड़ी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो आपने अपने ऑफिस में रखी हैं. सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट वो है, वो सारी एनर्जीज को खींच लेता है. तो जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सारी सक कर लेगा. बिकॉज वो जो गैजेट्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिव हैं, वो ऐसे ही पड़े हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको आपको हटा देना है. कोई भी ऐसी गॉड की मूर्ति या फ़ोटो कहीं और नहीं रखनी है, वहीं सेक्रेट स्पेस पर रखनी है. और अगर आपने वहाँ रखी है तो आपको उसकी पूजा ज़रूर करनी है, आपको उनको इग्नोर नहीं करना है. ये नहीं कि आपने रख दिया और हफ्ते में, महीने में, दो महीने में आप जाके पूजा करें, आपको डेली उस जगह पर जाना है. तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, आपके ऑफिस में कैसे आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. आप लाफिंग बुद्धा के साथ, आप वहाँ पे क्रिस्टल भी रख सकते हैं एंट्रेंस पे, जैसे कोई आता है तो सामने जो सीधी नज़र आप उन पर्सन की जाती है, आप वहाँ पे कोई भी क्रिस्टल रख सकते हैं. क्रिस्टल नज़र से बचाएगा, पॉजिटिव एनर्जीज लेके आएगा. हम एनर्जीज़ की ही बात कर रहे हैं, मैं डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ आपको. तो ऐसे आप अपने ऑफिस को पॉजिटिव कर सकते हैं. और जो भी आप मंत्र चैंट करते हैं, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, वो मंत्र भी आप अपने बैक साइड पे या फ्रंट पे लगा सकते हैं. उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको आप चिपका सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं. वही आपके लिए गुड लक चार्म है, वही आपके लिए यंत्र है. तो ये थी बात आज ऑफिस की एनर्जीज़ की, कैसे आप अपने ऑफिस को पॉजिटिव कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ. और ऐसे कुछ पिरामिड्स आते हैं, 9 इसमें पिरामिड्स बने रहते हैं, पिरामिड चिप्स, आप ये भी एंट्रेंस पे लगा सकते हैं. 9 दरवाजे पे आप ये स्टिक कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है. तो आप मुझे मैसेज करते रहिए, मैजिकल नंबर्स, आप मेरा वीडियोस देखते रहिए, शेयर भी कीजिए, बिकॉज़ आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है. तो आप दूसरों को भी हेल्प कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए. वो नंबर्स आप किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है जिन्होंने रेकी सीखी है या जो पॉजिटिव एनर्जीज में, सिर्फ वही नंबर यूज़ कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं. मैं सबके लिए नंबर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि जो हीलर्स हैं वही यूज़ कर सकते हैं. हाँ, रेकी में ज़रूर है, जो हीलर्स हैं, जो रेकी सीखेंगे वही यूज़ कर पाएंगे. तो हमारे कोर्सेज ऑन हैं, क्लासेस चल रही हैं, वीडियो कॉलिंग क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं विद मटेरियल CD, नोट्स भी हैं, इंडिविजुअल क्लासेस हैं, पर्सनल क्लासेस हैं. आप कांटेक्ट कीजिए हमारे ऑफिस में. और टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल थेरेपी, सिग्नेचर रीडिंग, बहुत सारी क्लासेस हैं, आप उनको देखिए, उनसे क्या बेनिफिट है आपको. और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और अच्छी पॉजिटिव नॉलेज के साथ. थैंक यू फ्रेंड्स.